गाइस वेलकम बैक टू एवरटेक्टिव्स यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज के इस वीडियो को बताने वाला हूँ कि जैसे गाइस हम लोग व्हाट्सएप चलाते होंगे तो गाइस आपको एक मैसेज जरूर देखने को मिलता होगा। कभी ना कभी तो आपने जरूर देखा होगा दिस मैसेज वो डिलीटेड लिख के आता है। तो गाइस उस समय में आप एकदम सोच में पड़ जाते हो भाई बंदे ने क्या लिखा होगा, ऐसा क्या लिखा होगा उसने कि गाइस उसने मैसेज डिलीट कर दिया। और आपके अंदर एक जिज्ञासा बढ़ जाती है कि गाइस मुझे वो मैसेज पढ़ना ही है वो मुझे मैसेज है ना, तो आप उसको जानने के लिए बहुत इच्छुक हो जाते हो और आप एकदम सस्पेंस में चले जाते हो कि गाइस उसने क्या लिखा होगा उस मैसेज में और दिस मैसेज वो डिलीटेड लिख के आ जाता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको यही बताना है कि आप डिलीटेड मैसेज को कैसे पढ़ सकते हो, व्हाट्सएप पर डिलीटेड मैसेज को कैसे पढ़ सकते हो। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस सबसे पहले आपको बता देता हूँ गाइस आपको यहाँ पे स्क्रीन देखने को मिल रही होगी। तो गाइस यहाँ पे आपको स्क्रीन देखने को मिल रही होगी। तो गाइस सबसे पहले आपको अगर डिलीटेड मैसेज को पढ़ना है तो आपको गाइस एक ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है नोटिसेव एप्लीकेशन। तो गाइस ये आपको प्ले स्टोर पर आराम से मिल जाएगी और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो गाइस मैं आपको स्क्रीन में सारे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको कहाँ किस चीज़ को एक्सेस करना है और कैसे इस ऐप को यूज़ करना है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। गाइस सबसे पहले मैं नोटिसेव एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। नोटिसेव एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको एक्सेस मांगा जाएगा आपसे। उसमें गाइस आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको स्वाइप करते जाना है दोनों साइड में और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर गाइस आपको बहुत सारे लिस्ट देखने को मिल जाएगी, उसमें आपको मतलब चूज़ करना पड़ेगा। तो आपको गाइस नोटिस सेव एप्लीकेशन को चूज़ कर देना है और फिर गाइस आपको एरो के ऊपर जो आपको लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर पर जो एरो दिख रहा है वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग आ जाएंगे एक बहुत बड़े पेज पर। वहाँ पर गाइस आपसे पूछा जाएगा आपको किस किस ऐप्स की नोटिफिकेशन सेव करवानी है, अपनी नोटिफिकेशन बाद में या फिर स्टेटस बाद में। तो गाइस आपको ऑल ऐप्स को ऑफ कर देना है। फिर गाइस आपको व्हाट्सएप को सिर्फ ओपन करना है क्योंकि अभी हम सिर्फ व्हाट्सएप को डिलीटेड मैसेज पढ़ने वाले हैं। तो आपको व्हाट्सएप को सिर्फ ऑन कर देना, बाकी सारे ऐप्स का बंद कर देना है। फिर गाइस आपको पीछे आना है और पीछे आने के बाद गाइस आपकी नोटिफिकेशन सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने एक मैसेज सेंड किया अपने दूसरे डिवाइस से, हाय। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आपका सेव हो गया मैसेज। ठीक है, मैसेज सेव हो गया, यहाँ पर हाय लिख के आ गया। फिर गाइस मैंने उस मैसेज को डिलीट कर दिया और ऊपर लिख के आ गया दिस मैसेज वॉज डिलीटेड। ठीक है, नीचे आप लोग देख सकते हैं अभी भी नोटिफिकेशन सेव्ड है और आप देख सकते हैं नीचे जो डिलीटेड मैसेज है वो आप पढ़ पा रहे हैं ध्यान से, हाय, जो कि डिलीट हो चुका है। अब गाइस मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने दूसरे डिवाइस से लिख के भेज दिया हाय आई एम मयंक। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे यह मैसेज आ गया और यहाँ पे यह सेव हो गया नोटिफिकेशन। फिर गाइस मैंने उस मैसेज को डिलीट कर दिया, ऊपर लिख के आ गया दिस मैसेज वो डिलीटेड। और गाइस फिर नीचे अभी हम देख सकते हैं अभी भी नोटिफिकेशन सेव्ड है और डिलीटेड मैसेज आप पढ़ सकते हैं। तो गाइस ये था एक आसान तरीका डिलीटेड मैसेजेस को पढ़ने के लिए। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर से कमेंट बताइएगा और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर। जल्दी खाने चबा रहा हूँ, सुनने में आया है तू लंदन में रहती है, अब भी जाके